हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30, ठीक है, 7:30 बज रहे हैं। मैंने जेप्टो सामान मंगाया है, तो जस्ट अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज मुझे बहुत काम रह सकते हैं, क्योंकि कल मेरा ब्रदर आ रहा है और मुझे कल रात की फ़्लाइट है उत्तराखंड के लिए। तो कुछ सामान मंगाया था, इसको ही रख रहा हूँ क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शौक है ये बिस्किट्स वगैरह खाने का। इनको फ्रीज में रख देते हैं। ये हरी मिर्च रही, ये रही प्याज, ये थैला खाली हो चुका है, और ये रही गोभी, ये ठीक है, ये रही टमाटर, और ये रहे टमाटर दो। बिस्किट को इधर खड़ा कर देते हैं। ये बैग्स खाली हो गए हैं, ये मंगाया मैंने घी का डिब्बा। दोस्तों देखो, ये वाला घी खाता हूँ मैं, तुम जो पूछते हो ना बार बार, ये देखो हिमालयन नेटिव्स, ठीक है। तो पहले वाला जो है ये खाली हो चुका है, तो ये भी यही है, ये ख़त्म हो गया था। ये चाय ये वाली पीता हूँ, और ये चीनी, मतलब मैं चाय नहीं पीता पर वो भाई चाय पीता है ना। तो फिलहाल के लिए चलिए शुरुआत करते दिन की। बाउल रख के गया था मैं बाउल होने के लिए, लेकिन इसको 100 पे करना भूल गया, ठीक है। सारी दाल का पानी सब नीचे गिर गया है, ठीक है, सब ये पूरा फुल था, ये इतना सा बचा है। ओह माय गॉड, इसी वजह से पहले भी इंडक्शन ख़राब हुआ था, फिर हो जाएगा। ये प्लेट मैंने ढक रखी थी इसके ऊपर, वो भी उड़ गई है, क्या यार। दोस्तों दाल बाउल हो गई है, अब उसको मैं छोक रहा हूँ, ठीक है। मैं हल्दी डालना उसमें भूल गया था ना, तो इसमें डाल रहा हूँ इसलिए। तो दोस्तों टाइम हो चुका है लंच करने का, फटाफट से लंच कर लेते हैं। आज दाल मुझे लगता है बढ़िया नहीं बनी, क्योंकि देखो मसाला अलग है और ये दाल का पानी अलग है, पर कोई बात नहीं, सब चलता है भाऊ। देसी घी किधर का, दोस्तों अभी एक पैसीमोल लगवाई है, और एक मल्टीविटामिन, एक अल्ट्रावेट का इंजेक्शन, और एक पैन 40। बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई सुबह से, फिलहाल इसको हटा के रखता हूँ मैं। तो दोस्तों आज डिनर में मैं
ये ब्रेड और दूध गर्म करने वाला हूँ, ठीक है। पूरी शॉप में कहीं मिल नहीं रहे थे, एक्सपायरी डेट थोड़ी लेट हो, कल की मिल रहे थे सब, कि बड़ी मुश्किल से मिले हैं 7 के, तो 7 इनकी एक्सपायरी है, ख़त्म हो जाएंगे कल तक, परसों तक 7 है, काफ़ी अच्छे जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा फील कर रहा हूँ अच्छा अपना, ठीक है। वोमिट मतलब हुआ ये था कि मैं शाम से उल्टियाँ कर रहा हूँ, जो खा रहा हूँ वोमिट हो रहा है, वोमिट हो रहा है। खाया कुछ है नहीं, दोपहर खाना खाया था उसके बाद वो भी वोमिट हो गया, दोपहर खाने नहीं खाया, पानी पी रहा हूँ तो वोमिट हो रहा है। तो वोमिट के लिए पेन 40 का इंजेक्शन, और कमजोरी आ गई थी मल्टीविटामिन, फीवर आ गया था, तो कैसे मैं फिलहाल के लिए अब मैं ब्रेड गर्म करके दूध गर्म करके पीऊँगा, क्योंकि खाना खाऊंगा तो वोमिट हो जाएगा। पूछा था मैंने तो उन्होंने कहा आप खा सकते हो, तो ये काफ़ी हेल्दी माना जाता है, रात को दूध और ब्रेड करके खाएँ तो काफ़ी आराम मिलता है इससे ना। अरे यार ये तो छेद वो आ गया, दूसरा निकालता हूँ। भाई मॉडर्न कैसे ब्रेड बनाते हो यार, ये तो व्हाइट ब्रेड लग रहे हैं मुझे, व्हाइट है ना दोस्तों, मैं तो ब्राउन लेकर आया था, मल्टीग्रेन पता नहीं यार। चलो आप हिंदी से खा लेते हैं यार, जो भी आ लेना। ब्रिटेनिया के बैड ही सही होते हैं बस, बाकी तो यार किसी पे विश्वास करने की नहीं है मेरे ख्याल से। अभी पहली बार खा रहा हूँ, पता नहीं कैसे होंगे, तो पहली बार ये वाली ब्रांड लेके आया हूँ, क्योंकि थे नहीं वो भी इस मजबूरी में ले आया, नहीं तो हम तो फैमिली भी बचपन से ब्रिटेनिया के ही फैन है, बस भरोसा जो जीत लेती है ना एक बार कंपनी, वो भाई कोई नहीं जीत पाता फिर। अब बर्तन भी कोई साफ नहीं है, तो मैं इसके अंदर ब्रेड को रख लेता हूँ। मल्टीग्रेन के नाम पे भाई दो बीज लगा दिए हैं, एक फ्लैक्सीड और एक ये मगज का। घर वालों ने कह रखा है कि जमानत नहीं कराएंगे, वरना कंपनियों के तो मैं ऐसी ऐसी बोल खोलूँ, बस तुम सोच नहीं सकते। बाकी इसका सच में नहीं पता, इसको तो मैं खाने के बाद बताऊंगा दोस्तों, कभी टैग कर दो तुम उन्हें। वैसे बीमार हो यार, ऐसा मत करना भाई। चलिए ये तो सीख गए दोस्तों, दूध गर्म करना और बाकी है, जल्दी से फटाफट से दूध भी गर्म कर लेते हैं। ये इतने सिकता रहेगा, हल्का गर्म हो गया तो इधर रख देते हैं। ये रहा हमारा फ्राई पैन, ठीक, इसके अंदर दूध निकालो यहाँ से। दूध भी मेरा मन था गोवर्धन का लेके आऊँ, गोवर्धन से दूसरा आता है यार एक और गोकुल, उसका दूध बहुत बढ़िया है पीने के मामले में, देखो कंट्री डिलाइट का भी अच्छा दूध। अब तेरा भला हो दोस्तों, सारा दूध सब चला गया इधर, बहुत हो गया ना, इसको फ्रीज में रख देते हैं। तो एक दूध तो पहले भी रखा था, चलो कोई नहीं। ये छेद, अरे भाई क्यों गिर रहे हो तुम, इस ब्रेड को भी रख देते ना, ये भी कल परसों भाई आ रहा है वैसे मेरा, कल शाम तक पहुंच जाएगा वो, खा ले। अब मुझे जरूरत है इस कप की, ये मोटे वाले कप में पियेंगे आज हम दूध। दोस्तों तुम्हें, दोस्तों देखो एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो दाल कितनी सारी है, दोपहर जो बनाई थी ना हमने, ये देखो राइस, क्या करूँ, जो खाया वोमिट हो गया, पानी पी रहा हूँ वोमिट हो रहा है, क्या कर सकते हैं यार। हल्दी डालना भूल गए है ना, चलो कोई बात नहीं, शुगर तो मैं लेता ही नहीं हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वही वाली बैग है जिसके अंदर मैंने सारी NS की बोतलें रख दी थी, ठीक है, ये बोतल है जो लगती है। तो उस टाइम पे जब मैंने ब्लॉग डाला था, मैंने कहा था कि भगवान ना करे कोई बीमार हो जिसके लगे, अब मुझे क्या पता था सारी मेरे लग जाएंगे, अब दो बची हैं, दो कल लगवा लूँगा ख़त्म ही हो जाएंगे, शायद इस वजह से बीमार किया है मुझे, ये बोतलें ख़राब ना जाए। ब्रिटेनिया तो कोई तोड़ नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ तुमसे कल मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब खाना खा के सो जाऊँगा, वीकनेस भी है, कल मिलता हूँ, अच्छे से दिन की शुरुआत करेंगे यार। कल भाई आ रहा है शाम को 7 बजे तक पहुँच जाएगा, 7-8 तक, और रात को मेरी फ्लाइट है 12 बजे की, तो मैं निकल जाऊँगा घर से, यहाँ से मतलब 8 साढ़े 9 बजे लगभग
वो सात पे आएगा, मैं 9 बजे निकल जाऊँगा और दिल्ली पहुँच जाऊँगा घर में सुबह 2 बजे। वहाँ से सुबह 6 बजे मेरी ट्रेन है अपने उत्तराखंड के लिए, मतलब मुरादाबाद के लिए है, वहाँ से फिर मैं उत्तराखंड चला जाऊँगा। कल का दिन तो रात पूरी जाएगी मेरी सफर में। बाय बाय, ध्यान रखना।